आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, जितनी भी बैलेंस शीट आप लोग बना रहे हो सारी गलत हो सकती है। जितनी भी प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट बना रहे हो, जितनी भी पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बना रहे हो, वो सारी की सारी गलत हो सकती है। अरे सर क्या कह रहे हो, लास्ट टाइम पर ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हमारे सामने है टेक्निकल गाइड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन कॉरपोरेट एंटिटी। हम यहाँ पर कॉरपोरेट एंटिटी की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म, हम इनकी बात कर रहे हैं। इसके लिए हमारे सीए इंस्टीट्यूट ने एक टेक्निकल गाइड दिया है। तो कितने लोग इस टेक्निकल गाइड को फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग फॉलो नहीं कर रहे? क्या ये फॉलो करा भी जाना चाहिए? क्या ये मैंडेटरी है? क्या ये ऑप्शनल है? क्या ये रिकमेंडेटरी है? क्या फॉर्मेट है इंस्टीट्यूट के हिसाब से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का? इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगर मैं इस गाइडेंस नोट की बात करूं, तो भाई इस गाइडेंस नोट को 150 रुपये में परचेज करके इंस्टीट्यूट से अपने पास रख लीजिए। जून 2022 में ये गाइडेंस नोट आया है। ये गाइडेंस नोट कहता क्या है, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। ये कहता है कि जो बैलेंस शीट और P&L बना रहे हो आप, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। इसके अंदर ये लगभग 70-80 पेजेस का गाइडेंस नोट है। इसमें बताता है कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। इसके फॉर्मेट्स को आपको ध्यान से समझना है। और अगर आप इन फॉर्मेट के हिसाब से बैलेंस शीट और P&L नहीं बना रहे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो क्या आप गलत कर रहे हैं? एज पर माई व्यू, मेरा क्या कहना है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये कहता हूं कि हर अकाउंटेंट को, हर प्रोफेशनल को, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट को पहले ये गाइडेंस नोट पढ़ना चाहिए। जैसे ही वो ये गाइडेंस नोट पढ़ेगा, आपको ध्यान होगा टैक्स ऑडिट का भी एक गाइडेंस नोट आया हुआ है, हमने उस पर भी चर्चा करी है, हम उसे भी फॉलो करते हैं। क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट, हमारी जो पेरेंट बॉडी है, वो कहता है कि कपिल जैन, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे फॉलो कर लें। इसमें बताया गया है कि राउंडिंग ऑफ आपको कैसे करना है। इसमें बताया गया है कि भाई बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट, अरे सर ये वाला फॉर्मेट तो कंपनी का होता था। नहीं भाई, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट नेम ऑफ द नॉन कॉरपोरेट एंटिटी। यहाँ पर ये बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई नॉन कॉरपोरेट एंटिटी मतलब प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इसके अंदर भी प्रीवियस ईयर की फिगर्स देनी है। अरे सर हमारे प्रीवियस ईयर की फिगर में तो 10% प्रॉफिट होता है, इस बार 5% प्रॉफिट होता है। अगर हमने ये प्रीवियस ईयर की फिगर दे दी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन ये आपको देना है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहते हैं कि जो पहले बैलेंस शीट आप बनाते थे, ऐसे करके बैलेंस शीट बना दी, इधर लाइबिलिटीज लिख दी, कैपिटल लिख दी, एसेट्स लिख दी, अब इस फॉर्मेट को नहीं चलेगी बात। आप इस फॉर्मेट को फॉलो करो जैसा कंपनीज में फॉलो होता है। तो इसलिए हम गाइडेंस नोट के थ्रू आपको नॉन कॉरपोरेट एंटिटी का भी फॉर्मेट दे रहे हैं। आप इसके हिसाब से बैलेंस शीट बनाओ। इसमें ओनर फंड क्या होता है, ओनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने नीचे डिफाइन करी है कि भाई आपको जो भी चीज़ें ऊपर बतानी है तो आप क्या बताओगे, ओनर फंड में क्या चीज़ें होंगी, ओपनिंग बैलेंस होगा प्रोप्राइटर का, जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी वो होगा, रेमुनरेशन होगा उस साल का, इंटरेस्ट होगा, विड्रॉल होगा, ये सारी चीज़ें ओनर फंड्स में जाएगी और बाकी चीज़ें रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगी। तो ये पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको बता रही है। साथ के साथ अगर आप इसका P&L का फॉर्मेट देखो, नीचे एक्सप्लेन भी करके बता रहे हैं कि आप टेंशन मत लेना कि किसमें क्या चीज़ जाएगी, हमने आपको बता दिया है। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखोगे तो उसमें भी ये फॉर्मेट बता रहे हैं कि अब हमें लास्ट ईयर की फिगर चाहिए
और लास्ट ईयर की फिगर के साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना, अदर इनकम क्या। मतलब कि इनका कहना ये है कि चाहे कोई प्रोप्राइटरशिप है, चाहे कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसकी बैलेंस शीट और कंपनी की बैलेंस शीट का लगभग लुक एक जैसा होना चाहिए। और सीए इंस्टीट्यूट ने यह फॉर्मेट दिया है सारा, क्या आप इसके हिसाब से बना रहे, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ऐसा लग रहा है मुझे कि बहुत कम लोग इस फॉर्मेट में बना रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर यह भी बताना कि क्या हमें ऐसे बनाना चाहिए, या जो हम फॉर्मेट बनाते हुए आए हैं उसी को फॉलो करते रहे। क्योंकि कई लोग मुझसे कहेंगे कि सर ये वाला जो गाइडेंस नोट है तो जून 2022 में आया है और हमारी तो बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 की है, तो हम तो इस फॉर्मेट को नहीं बनाते, हमने तो बैलेंस शीट अपनी पहले ही बना ली थी। अरे अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बैलेंस शीट कब बनाई, मार्च में बनाई या सितंबर में बनाई। तो मेरे हिसाब से आपको इस फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए। अरे सर इसका जो शुरुआती पेज है उसके पेज पर लिखा हुआ है ये मैंडेटरी नहीं है, देख लेते हैं क्या लाइन लिखी हुई है। इस पर लिखा हुआ है आई एम श्योर दैट दिस टेक्निकल गाइड वुड बी यूज एंड इंटरेस्ट टू द स्टेक होल्डर, कि अगर आप इस फॉर्मेट में बनाते हो तो स्टेक होल्डर को बेनिफिट होगा। आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड, क्या लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड, यहां पर मैंडेटरी नहीं लिखा लेकिन वर्ड को देखो, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी टू फॉलो दीज फॉर्मेट्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई आल्सो आर अदर स्टॉक होल्डर्स एंड ऑडिटर ऑफ सच एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एंश्योर दैट दीज फॉर्मेट्स आर फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी। मतलब ऑडिटर्स को कहा जा रहा है कि जब आप इसका ऑडिट करो तो आप इंश्योर कर लो कि बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में बनी है। इसके बाद भी अगर आप बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में बना देते हो, P&L इस फॉर्मेट में बना देते हो, टी फॉर्मेट में, तो बाद में मुझे मत कहना कि सर कुछ गड़बड़ हो गई। तो मेरा मानना है कि भाई आप सब लोग बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में ही बनाओ। इस गाइडेंस नोट को अगर आपको चाहिए हमसे तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको इसका लिंक दे देंगे, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना, जैसे ही समय मिले इसे पढ़ लेना और एक दो बैलेंस शीट बना लेना इसके हिसाब से। और बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें डालनी होती है, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी होती है, इसके लिए हमारे कोर्सेज हैं, ठीक है। आप अगर हमारे ऐप पर जाओगे, आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना KJ क्लासेस का, उस पर हमने ये सारे के सारे कोर्सेज डाले हुए हैं। कोई भी कोर्सेज आप यहाँ से ले सकते हो। और अगर आपको कंप्यूटर में कोर्स देखना है तो कंप्यूटर में कोर्स देखने के लिए क्या करना है, हमारी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव ले सकते हो। इसके अंदर पूरी डिटेल नॉलेज देते हैं, जितने भी वेबिनार सेमिनार होते हैं सबकी रिकॉर्डिंग करके आपको देते हैं। ये नहीं करते कि एक बार भेज दिया उसके बाद कोई अपडेशन नहीं, सारी अपडेशन आपको गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में दे देते हैं, कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाती है। इसके अलावा हम अपनी मैगजीन में समय समय पर आपको बताते रहते हैं कि भाई इस बार की मैगजीन में हम क्या दे रहे हैं, मैगजीन में क्या क्या चीज़ें। मैगजीन आपको मिल गई होगी, इस बार थोड़ी सी डिले थी लेकिन कोई बात नहीं, मिल गई होगी मैगजीन, पढ़कर बताना कैसी है। और अब हम सोच रहे हैं कि हमारे हर क्लाइंट इंडिया में तो है ही, हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के बाहर भी कुछ काम करें। तो अब की बार हमने क्या करा है कि दुबई के ऊपर एक वेबिनार कराए, पहला इंटरनेशनल वेबिनार करने की सोच रहे हैं हम। तो आप, ये हमारा पहला वेबिनार है, इसमें हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेना जल्दी से जल्दी, लेट रजिस्ट्रेशन कराओगे तो ज़्यादा फीस होगी। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको बताएंगे, UAE के बारे में, दुबई के बारे में, गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में, बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, टूरिस्ट के बारे में। तो ये संडे का है, 2 अक्टूबर छुट्टी का दिन है, तो आप ज़रा इसे इंजॉय कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और ये वीडियो डराने के लिए नहीं है आपको, ये मेरे पास आया था गाइडेंस नोट तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, पता चले कि जितनी भी सारी बैलेंस शीट बनाई वो बेकार हो गई। तो ऐसा मत करना, एक आदत डाल लो कि भाई जो नई चीज़ें आ रही है उसके हिसाब से काम करो, पुरानी चीज़ों को छोड़ते जाओ। इंस्टीट्यूट ने बड़ी मेहनत से ये गाइडेंस नोट बनाया है। जब टैक्स ऑडिट कर रहे हो तो टैक्स ऑडिट का गाइडेंस नोट, ठीक है ना, जब बुक्स बना रहे हो तो बुक्स का गाइडेंस नोट जरूर पढ़े, पढ़ने लिखने की आदत डालते रहे। वीडियो थोड़ी सी कम आ रही है तो ये मत सोचना कि कपिल जैन निकल लिए, ठीक है, निकले नहीं है, ठीक है, अभी यहीं पर है, जिंदा है।
ठीक है ना, तो वीडियो आती रहेंगी, किसी और कामों में बिजी हो जाता हूँ इसलिए वीडियो नहीं आ पाती है। आपका प्यार बनाते रहिएगा, इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।